Hello everyone, welcome back to our channel of Little Master Public School. Today I am going to teach chapter number 12 of math subject for the class 7th, which is algebraic expression. इसके पहले के चैप्टर में हमने एलजेब्रा क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब समझे थे. अब यहाँ पे इसके एक्सप्रेशंस को समझेंगे. एक्सप्रेशंस मीन्स इक्वेशन. ओके, जो देखो यहाँ पे 3xy + 2x + 4, यहाँ पे जो भी दिखाया गया है इसे कहते हैं एक्सप्रेशन. वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? इट कैन टेक वेरियस वैल्यूज. इसके पहले के चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ये चेंज होते रहते हैं. इन अबव एग्जांपल वेरिएबल क्या है? तो एक्स और वाई वेरिएबल है. ओके, कॉन्स्टेंट, जो जिनके नंबर फिक्स रहते हैं उनको कॉन्स्टेंट कहते हैं. तो ऊपर वाले नंबर में कांस्टेंट क्या है? 4 है, क्योंकि देखो वो चेंज होने वाला नहीं है, 4 था, 4 है और 4 रहेगा. टर्म्स किसे कहते हैं? तो टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन. इन अबव एग्जांपल टर्म्स आर, टर्म्स किसे कहते हैं? जो इसे कहते हैं टर्म्स, मतलब 3xy, 2x + 4, तो इसे कहेंगे टर्म्स. फैक्टर्स किसे कहते हैं? तो आप जैसे कि 24 के फैक्टर्स निकालोगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 2 3 और 3 1 3, तो ये सब क्या है? 24 के फैक्टर्स, 2 2 2 और 3, ये 24 के फैक्टर्स है. वैसे अगर हमें बोला जाएगा 3xy के फैक्टर्स निकालो, तो 3x और y ये क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे. ओके, नाउ कोएफिशिएंट्स. कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? कि जो भी x, y मतलब वेरिएबल्स के साथ में जो भी नंबर्स होते हैं उसे कहते हैं कोएफिशिएंट. द न्यूमेरिकल फैक्टर इज सेड टू बी द न्यूमेरिकल कोफिशियंट और सिंपली द कोफिशियंट ऑफ द टर्म्स. द टर्म्स के साथ जो भी न्यूमेरिकल होते हैं नंबर्स उसे कहते हैं कोफिशियंट. द एबोव एग्जाम्पल कोफिशियंट आर 3 ऑफ 3xy एंड 2x. मतलब मैंने अभी क्या बोला, जो भी x, y, z के साथ जो भी नंबर्स होंगे उसे कोएफिशिएंट बोलेंगे. ओके, लाइक टर्म्स क्या होते हैं? व्हेन टर्म्स हैव द सेम एलजेब्रिक फैक्टर्स, मतलब कि उनका एलजेब्रिक फैक्टर सेम होता है. जैसे कि 2xy - 3x + 5xy - 4. यहाँ पे देखो एक्स वाई यहाँ पे भी है, एक्स वाई यहाँ पे भी है, 3x यहाँ पे भी है और यहाँ पे सॉरी x रह गया, तो 4x यहाँ पे भी है. तो ये लाइक टर्म होंगे, मतलब एक जैसे टर्म्स होंगे उसे कहेंगे लाइक टर्म. और अनलाइक, जिसमें एक जैसे टर्म्स नहीं होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 2xy है एंड यहाँ पे 3xy, ये प्लस है ये माइनस है और यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे y नहीं है, तो ये कैसे हो जाएंगे? अनलाइक टर्म्स. ओके, नेक्स्ट मोनोमियल. An expression with only one term is called a monomial. मतलब जिसमें सिर्फ एक ही expression होता है, या तो 7xy होगा, बीच में कोई plus minus नहीं होगा, फिर या तो another example is -5 m होगा, या फिर x होगा, y होगा, etc. या फिर 3x² मतलब सो सिंगल एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें ना ही एडिशन होता है ना ही सब्ट्रैक्शन होता है, तो उसे कहते हैं मोनोमियल. अब बाइनोमियल किससे कहते हैं? जिसमें टू टर्म्स होते हैं, ठीक है, वो अनलाइक भी हो सकते हैं, लाइक भी हो सकते हैं, ठीक है, तो जिसमें टू टर्म्स होते हैं उसे कहते हैं बाइनोमियल. और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं. यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसको आपको समझने रहेंगे, ठीक है. देखो 1 2 3 टर्म्स, तो उसे कहेंगे ट्राइनोमियल. In general, an expression with one or more terms is called polynomial. जैसे कि हम polygons पढ़ते हैं तो more than 4 होते हैं तो हम quadrilateral, मतलब quadrilateral बोल देते हैं. वैसे ही यहाँ पे more than 2 से ज़्यादा terms होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? Polynomial. ठीक है, ये आपको MCQ में आ सकता है कि मोर देन 2 टर्म्स होंगे तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीनोमियल. ओके, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है, अब इसको थोड़े हम क्वाड्रिलेटरल या फिर क्वाड्रिनोमियल कहेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे हम शॉर्ट नेम दे दिया गया है पॉलीनोमियल, तो इस तरह का एग्जांपल है, ठीक है.
तो उसे सॉल्व भी करना है कि जहां पे लाइक टर्म होंगे वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। लाइक टर्म क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, अनलाइक ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 7x है, प्लस प्लस प्लस, तो 7 प्लस 3 10, और जो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 11 में से 5 कट करेंगे 6। अब बड़ा नंबर का साइन रखना है, तो ये प्लस में, तो यहाँ पे प्लस 6। ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन से आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से समझ सकते हो। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लाइक टर्म्स, मतलब कि आप देखो यहाँ पे अगर 2xy है और यहाँ पे 3x है, तो आप ये चीज सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये अलग अलग है, अनलाइक टर्म्स है। वही अगर यहाँ पे 5xy दिया होता और यहाँ पे 3xy दिया होता, तो आप इसको इजीली कट कर सकते थे। कैसे, 5 में से 3 गया 2, x तो x और y है तो y, क्योंकि ये लोग का नंबर चेंज होता नहीं, ये रहते हैं वैसे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इससे कहने का मतलब कि जो लाइक टर्म्स होते हैं वो एक दूसरे के बीच मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक टर्म्स होंगे तो उनके बीच कोई भी टर्म्स फॉलो नहीं होंगे। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना। तो सपोज हमें x की वैल्यू 2 दी गई है, x की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, 0, 1, 2, 3, माइनस 3, 9, माइनस 4, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको x की जगह पुट करके वैल्यू फाइंड करनी है उस एक्सप्रेशन की। तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो। प्लस माइनस का ही रूल है, आपको सही याद रखना है कि जहाँ पे माइनस प्लस होगा तो उसका आंसर हमारे माइनस में मिलेगा, जहाँ पे प्लस माइनस होगा उसका आंसर माइनस में, प्लस प्लस होगा उसका आंसर प्लस में, माइनस माइनस होगा उसका आंसर प्लस में। ओके, इट्स मींस माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस 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 एंड माइनस माइनस प्लस, ये रूल अगर आपको याद रहेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स करने में एक भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, इसी के साथ आपका चैप्टर भी हो जाता है फिनिश। इस तरह आपको सॉल्व करने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।